ये साधुओं की आहारचर्या। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार ही आहार लेते हैं, उसी वक्त पानी पीते हैं। उसमें भी अगर बाल आ जाए या कोई जीव जंतु आ जाए तो वो आहार छोड़ देते हैं, फिर 24 घंटे बाद ही आहार लेते हैं। कभी भी कितनी भी गर्मी भी पड़े तो भी दोबारा आहार नहीं लेते हैं और दोबारा पानी भी नहीं पीते हैं। कितने बीमार पड़ जाएँ तो भी वो दवाइयाँ सेवन नहीं करते हैं, उसी वक्त लेने का प्रयास करते हैं। दिगंबर साधु की चर्या थोड़ी कठिन है और इस चर्या पर सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि दिगंबर साधु कैसे अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। दिगंबर साधु बालों का केसलोज करते हैं, 4 महीने 3 महीने में एक बार उन बालों को निकाल देते हैं। हमेशा नग्न ही रहते हैं, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो तो भी वो शरीर पर एक धागा भी नहीं डालते हैं, पैदल ही चलते हैं। कभी गाड़ी घोड़े का वो अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। दिगंबर साधु कभी पैसे को लेते नहीं हैं। दिगंबर साधु बाल ब्रह्मचारी हुआ करते हैं। ये जैन साधु की चर्या है और ये चर्या को प्राकृतिक चर्या कही गई है, प्रकृति की चर्या कही गई है। जैसे ये प्रकृति है वैसे ही दिगंबर साधु हैं। सूर्य पर कोई आवरण नहीं है, चंद्रमा पर कोई आवरण नहीं है, पेड़ पौधों पर कोई आवरण नहीं है, नदी तालाबों पर कोई आवरण नहीं है। उसी प्रकार से दिगंबर साधुओं पर कोई आवरण नहीं है और जिन पर आवरण नहीं होता है वो ये सृष्टि को सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो हमारी ये चर्या आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर गुवाहाटी में 150 परिवार के लोग एक साथ मिलकर आहार चर्या करा रहे हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के समय पर यह चर्या शुरुआत हुई थी, अभी हम भगवान महावीर के काल में चल रहे हैं। देश की स्वतंत्रता दिवस पर ये चर्या दिगंबर साधुओं की सामूहिक हो रही है। एक चर्या दिगंबर साधु की सामूहिक हो रही है, उसका केवल उद्देश्य ये है कि भगवान इस सृष्टि में संस्कृति का विकास हो, इस सृष्टि में हमारी भारतीय संस्कृति सब लोगों को समझ में आना चाहिए। पूर्वांचल दिगंबर जैन मुनिर भ्रमण यह प्रथम न हो, यार आगते दिगंबर जैन मुनिर आगमन घटी से एबार एटा विशेष कारण आचार्य श्री प्रमुख सागरजी महाराज एबार अखमले पदार्पण करिसे प्रथम बारर बाबे। तेउं गोटे भारत जुरी 50,000-65,000 किलोमीटर पदभ्रजे भ्रमण कर आज गुवाहाटी आही पाइसे ही। गुवाहाटीत एबार तेउं 4.5 माह काल चतुर्माह करिबो। ए चतुर्माहर माजते तेउं विभिन्न धरणे राइजक धर्मर उपदेश शांतिर उपदेश दिबो। तेउं शांतिर बाणी बिलाई फुरी गोटे अखम जुरी गोटे भारत जुरी तेउं भ्रमण करिसे आरु तेउं आहार जितु प्रक्रिया तेउं खाद्य खोवार जितु प्रक्रिया सम्पूर्ण बेलेग। तेउं केतिया बासन बर्तन व्यवहार नकरे, तेनेके एनेके हातत लय पेलाय तेउंलोके आहार ग्रहण करे आरु एटु एरा गले तेउं आहारटु करा नहय। आरु तेनेके जदि होय जाय तेउं उपवासे थाकिबो लगा हबो पारे। तेउर कि केबाट विधि थाके, नियम थाके, हे नियम मते तेउं श्रावक सकलो परा आहार ग्रहण करे। हे नियम बिलाक एतिया तेउं जेतिया होमाय आइबो तेतिया आपनलोके देखा पाबो।